करेक्ट कोड फॉर स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, क्या बोला गया है, स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब आपसे बोला गया है किसके बारे में, इनर्ट पेयर इफेक्ट के बारे में, किसके बारे में बोला गया है, इनर्ट पेयर इफेक्ट के बारे में आप लोगों को बोला गया है कि इनर्ट पेयर इफेक्ट का ही क्वेश्चन है। अब इसके अंदर क्या क्या दिया हुआ आप लोगों को, लेड भी दिया हुआ है और थेलियम भी दिया हुआ, तो लेड तो ग्रुप 14 का है और जो हमारा थेलियम है वो किसका है, ग्रुप 13 का है, तो हम यहां पर लिख देते हैं क्या हमारा ग्रुप 13, ठीक है, एंड देन यहां पर लिख देते हैं हम हमारा क्या ग्रुप 14, तो ग्रुप 13 का क्या क्या स्टेबल होगा, ग्रुप 14 का क्या क्या स्टेबल है, तो बोरोन है, एल्यूमिनियम है, गैलियम है, इंडियम है और कौन है, एजुकेटर्स थेलियम, तो इन सब का तो क्या स्टेबल है, प्लस 3 ज्यादा स्टेबल है और इसका क्या ज्यादा स्टेबल है, प्लस 1 ज्यादा स्टेबल है, जबकि ग्रुप 14 में कौन है, कार्बन है, सिलिकन है, जर्मेनियम है, टिन है और कौन है, लेड है, तो इन सब का क्या ज्यादा स्टेबल है, एजुकेटर्स प्लस 4 ज्यादा स्टेबल है, जबकि लेड का क्या ज्यादा स्टेबल है, प्लस 2, अब ये प्लस 4 प्लस 2 कहां से आया, तो इसका जनरल कॉन्फिगरेशन क्या है, NH2NP1 है और इसका जनरल कॉन्फिगरेशन क्या है, NH2NP2 है, तो ये हमारा क्या हो गया, यहां पर ऑर्डर आ गया, क्लियर है। अब इसके बेसिस पर हम क्या करते हैं, आंसर करने की कोशिश करते हैं, तो अगर मैं बोलूं आप लोगों से यहां पर कि लेड का कौन सा ज्यादा स्टेबल है, लेड का प्लस 2 ज्यादा स्टेबल है, क्या स्टेबल है, प्लस 2 ज्यादा स्टेबल है किससे, प्लस 4 से, जबकि इसका प्लस 4 ज्यादा स्टेबल है किससे, प्लस 2 से, यहाँ प्लस 3 ज्यादा स्टेबल है किससे, प्लस 1 से, और यहाँ प्लस 1 ज्यादा स्टेबल है किससे, प्लस 3 से, तो लेड का ये वाला क्या हो गया, ज्यादा स्टेबल हो गया, जबकि थेलियम का क्या हो गया, प्लस 1 ज्यादा स्टेबल है, तो यहाँ प्लस 3 है, तो जो फर्स्ट वाला हुआ वो रॉन्ग हो गया। देन बिस्मत और एंटीमनी की बात करूं मैं, किसकी बात करूं मैं, बिस्मत और एंटीमनी की, तो बिस्मत एंटीमनी हमारे कौन आ गए, ग्रुप 15 वाले आ गए, तो अगर मैं ग्रुप 15 की बात करूं तो यहां पर मैं लिख देता हूं हमारा क्या ग्रुप 15, तो ग्रुप 15 का जनरल कॉन्फिगरेशन क्या होता है, NH2NP3 होता है, तो उसमें कौन आएगा, नाइट्रोजन आएगा, फॉस्फोरस आएगा, आर्सेनिक आएगा, एंटीमनी आएगा और कौन आ जाएगा, बिस्मत आ जाएगा। नाइट्रोजन फॉस्फोरस का ज्यादा स्टेबल कौन है, प्लस 5, इनका कौन है, प्लस 3 और प्लस 5, बट अगर मैं बात करूं कि बिस्मत का कौन सा स्टेबल है, प्लस 5, बट प्लस 3 ज्यादा स्टेबल है, बट प्लस 3 किसका सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, बिस्मत का, तो बिस्मत और एंटीमनी में इनसे कौन ज्यादा स्टेबल, हमारा बिस्मत होगा, तो ये भी क्या हो गया, यहाँ पर रॉन्ग हो गया। देन अगर मैं ऑप्शन नंबर 3 की बात करूं तो लेड प्लस 2 और लेड प्लस 4 में से कौन ज्यादा स्टेबल, लेड प्लस 2, तो ये करेक्ट हो गया। बिस्मत प्लस 3 और बिस्मत प्लस 5 में से कौन ज्यादा स्टेबल, बिस्मत प्लस 3, इसलिए ऑप्शन नंबर जो 3 है वो क्या हो गया हमारा करेक्ट हो गया। देन थेलियम और इंडियम प्लस 3, तो अगर थेलियम और इंडियम प्लस 3 में बात करूं तो इंडियम का प्लस 3 ज्यादा स्टेबल होगा, देन ये हमारा क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। देन टिन प्लस 2 और लेड प्लस 2, किसकी बात करूं मैं, टिन प्लस 2 लेड प्लस 2 में से किसका प्लस 2 ज्यादा स्टेबल होगा, लेड का प्लस 2 ज्यादा स्टेबल होगा, जबकि प्लस 4 किसका ज्यादा स्टेबल होगा, टिन का ज्यादा स्टेबल होगा, इसलिए फिफ्थ वाला जो होगा वो क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट हो जाएगा। देन टिन प्लस 2 और लेड प्लस 2 में से कौन ज्यादा स्टेबल हमारा, कौन ज्यादा स्टेबल, टिन प्लस 2 और लेड प्लस 2 में से कौन ज्यादा स्टेबल हमारा, बताइए बताइए कौन ज्यादा स्टेबल हो जाएगा हमारा, तो कौन ज्यादा स्टेबल है बताइए, वो है हमारा कौन, लेड सबसे ज्यादा स्टेबल है। देन टिन प्लस 4 और लेड प्लस 4 में से कौन ज्यादा स्टेबल हो जाएगा हमारा, बोलिए कौन ज्यादा स्टेबल हो जाएगा हमारा, तो वो कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा, वो हो जाएगा हमारा टिन प्लस 4, तो ये भी क्या हो गया, रॉन्ग हो गया हमारा। तो कौन कौन सा करेक्ट हुआ, वन है थर्ड करेक्ट हो गया, तो वन और सॉरी थर्ड और फिफ्थ हमारा करेक्ट हो गया, तो थर्ड और फिफ्थ हमारा किस ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में, तो सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप जो ये इनर्ट पेयर इफेक्ट वाला कॉन्सेप्ट है ये सभी लोगों को समझ आया होगा।